আসসালামু আলাইকুম মুসলিম টিভির বার্তা বিভাগে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি প্রতি সপ্তাহে আমরা আপনাদের জন্য প্রিয় হুজুর আইদ আল্লাহতাল বিনাসহিল আজিজের সাথে হওয়া একটি ভার্চুয়াল মুলাকাতের কিছু মূল অংশ উপস্থাপন করি এবারের মূলাকাতে ফ্রাঙ্কফুটের বায়তুসুবু মসজিদ থেকে যুক্ত হন জার্মানির ন্যাশনাল আমেলার সদস্যগণ এই অনলাইন কার্যক্রম কোরআন তেলাওয়াত নাজম এবং রিপোর্ট প্রদানের মাধ্যমে শুরু হয় প্রিয় হুজুর দোয়া পরিচালনা করার পর জার্মানির আমির সাহেবকে Uh, we are very very thankful and of course happy that we have after so many months a chance to be close to our Khalifa and, uh, it is almost a year not months. Yes yes it's almost a year it was in February maybe we had the last chance to meet Hazur. you had a chance to meet me but I didn't have chance to see German Ahmadis eh? or your Amla members.

खुदाम की तादाद खुद नहीं पता रहा पूछ पूछ रहा मैं पूछ रहा हूँ यूनिवर्सिटी हो जाने वाले स्टूडेंट कितने हैं जमात में लड़के और लड़कियाँ हैं बच्चे और बच्चियाँ हैं खुदाम जी लजना जी आपका ताल्लुक़ कोई नहीं इससे जहाँ खुदाम लजना का जहन में आपके तस्वुर आता है ना वहीं आपकी खुदाम और लजना में दखल अंदाजी शुरू हो जाती है ठीक इसलिए इस इसलिए इस हल्के से मौके को भी दखल अंदाजी के मैं झायल करना चाहता हूँ आपने लड़के लड़कियाँ जमात के बच्चे बचियाँ ठीक? जी इनसे को पर्सनल इन पर्सनल जो भी दिया करें ना इन बच्चों पे इनसे राबता रखा करें इनको पता लगे रिस्पेक्टिव सेक्ट्रीज़ जो हैं आपकी जमातों के वो रहा रखें ताकि इनको पता हो कि जमात हमें पूछ रही है हमारे से हमारी तलीमी सरगर्मियों में उनको कोई दिलचस्पी है बहुत सारे बाद ऐसे हैं बच्चे जिनके माँ बाप ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं उनको ज़्यादा दिलचस्पी लेंगे तो उन बच्चों को पढ़ाई की तरफ भी शौक़ पैदा होगा माँ बाप को भी तोजो पैदा होगी कि हाँ जमात पूछ रही है हमने इस जो हमारा जमाती टैलेंट है इसको ज़ाया नहीं करना आपने हर बच्ची और बच्चे को संभालना है क्योंकि अक्सर वालदे अपने या कामों की वजह से या तलीम की कमी की वजह से जो इस वक्त जनरेशन है पूरी तोजो नहीं दे रही और जो पढ़ी लिखी जनरेशन है इस वक्त आपकी जिनके आगे बच्चे यूनिवर्सिटी या स्कूलों में हाई क्लासेस में पढ़ रहे हैं वो अपने जॉब और कामों की वजह से तूरी तवजो तो नहीं देते या वो समझते हैं कि इस माहौल में कोई नहीं जितना बच्चा पढ़ रहा है पढ़े हमें क्या हमें तो समझ नहीं आती कि क्या तलीम हासिल कर रहा है इसलिए आपका जो रिस्पेक्टिव सेकट्री तालीम है उसको बड़ा एक्टिव होना चाहिए उसके साथ टीम उसकी एक्टिव होनी चाहिए आपकी काउंसलिंग कमेटियाँ हर जगह होनी चाहिए हैं गाइडेंस और काउंसलिंग जो कमेटी है ना स्टूडेंट के लिए वो भी हर जगह फाल होनी चाहिए जी हजूर जर्मानी नेशनल सेक्रटरी तरबियत के दिक निर्देशना प्रदान करें सोवा तरबियत का भी काम है कि कोऑर्डिनेटेड प्रोग्राम बनाएंरला और लजना और ख़ुदामदिया के साथ मिल के तरबियत का ताकि ये जो, जो माहौल के असर के तहत बच्चे बाहर जा रहे हैं बच्चियाँ बाहर जा रही हैं बच्चियों के रिश्ते नहीं मिलते फ्रस्ट्रेशन पैदा हो रही है दुनियावी ख्वाहिशात बढ़ रही हैं दीन की तरफ रगबत कम हो रही है इसके लिए हम क्या कर रहे हैं हमने ये बनाया और वो बनाया और ये कर दिया कागज़ पहुंचा दिया कागज़ पहुंचा के उसका नतीजा क्या निकला मुझे तो ये बताएं कि कितने लोग हैं आपने इस साल में तहशतगुजार बना दिए कितने लोग हैं जो पांच वक्त जमत जुमात नमाज़ पढ़ने वाले बना दिए कितने लोग हैं जिनको आपने कुरान करीम की बाकायदा तलावत करने और उस पर गौर करने वाला बना दिया ये मुहैया आप चाहे अजीज़ करेंगे जो ज्यों अब जमात फैल रही है ज़माना दूर हो रहा है हैं और ये हालात पैदा हो रहे हैं यहाँ खिलाफत से भी तल्लुक बर रास्त कम हो रहा है और नवौत के ज़माने से भी दूरी हो रही है तो उसमें और ज़्यादा आपको जाम प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे ठीक है ताकि करीब लाएँ हजूर अनोर आयाद तबिन असरी अजीज एडिशनल सेक्रेटरी माल के संबोधन करें आर्थिक कुरबानी सम्पर्क दिक्क निर्देशना प्रदान करें ये चंदा देने वाली की जिम्मेदारी है कि उसको एहसास होना चाहिए कि मैंने अल्लाह की राह में अगर देना है तो मैं तोजो से दूँ और बाकायदा अपनी आमद के लिहाज से बाकायदगी से देता रहूँ लेकिन अगर उसको एहसास नहीं होता तो कम अज़ कम एहसास दिलाने वाले भी होने चाहिए ना फिर कुर करीम का भी यही हुक्म है कि नसीहत करो नसीहत करने का मुस्तकिल हुक्म इसीलिए है कि ये इंसानी फितरत है कि भूल जाता है या तोजो नहीं रहती निजे के तुच्छ ज्ञान करें जामतर सेवा कर व्यापारे हजूर नेशनल सेक्रेटरी माल के संबोधन करे एर गुरुत्व तुले धरें आजिज़ बनो बदतर बनो हर एक से अपने ख्याल में शायद कि उसे दखलो दारिसाल में कोई जितना मर्जी तकबर करने वाला हो आपके ख्याल में पता नहीं वो है भी कि नहीं लेकिन अगर आपके ख्याल में है भी कोई और उसके साथ आई जी से पेश आया करें अफसरों की इतहात की आदत डालें आपस में जो आपके सेकट्रियान हैं उनसे प्रॉपर कोऑपरेशन करने की तावन करने की कोऑर्डिनेशन करने की आदत डालें ठीक है जो मुतलका हैं और बजट तो पैसे तो आ ही जाएंगे इसमें तो आपका कोई कमाल नहीं है आप ना भी कोशिश करेंगे तब भी एहमदियों को मैं यहीं से बर रास्त कह दूँगा ना कि चंदा दो और तुम लोग पीछे रह रहे हो तो वो दे देंगे इन शाली का ये फ़लल है आहदियों का जमात से तल्लक भी है अखिलाफ से ताल्लुक़ भी है उसमें ना किसी सेक्ट्री माल का कमाल है ना किसी आपके एडिशनल का कमाल है ना किसी और का जिन्होंने देना है वो देना है आपके लोगों का कमाल है आप लोगों को तो लोग लगा के जो शीधों में दाखिल हो रहे हैं ना वो इसलिए अल्लाह ताला ने आपको मौका दिया हुआ है इसलिए अपनी किसी कामयाबी को जो जमाती कामयाबी उसको अपनी कामयाबी ना समझें ये समझें कि अल्लाह का फ़जल है और इस पर मैंने और से ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ के अजदी इख्तियार करनी है জ्यादा ज्यादा बढ़कर দাওয়াত करना है। আমির জামাআহ سے بھی ন্যাশনাল উমরে খারেজা সেক্রেটারির সাথে নির্জাতিত আহমদী দের বিষয়ে কথা বলার সময় প্রিয় হুজুর জার্মানি এবং এর অধিবাসীদের প্রশংসা করেন। হুজুর এও দিক নির্দেশনা দেন যে দেশান্তরিত হয়ে আসা আহমদী সঠিক দিক নির্দেশনা এবং সাহায্য করা জার্মান জামাতের আমেলার দায়িত্ব। আচ্ছা कि खारजा ने क्या किया जितने लोगों को आप जुड़ा रहे हैं शायलम सीकर को जर्मनी से इतने तो किसी मुल्क में नहीं जा रहे वापस और यहाँ आप लोगों को कह देंगे जी जर्मन कौम और तरह की है ये यूँ करते हैं और यूँ करते हैं जर्मन कौम कोई और तरह की नहीं है जर्मन कौम बड़ी शरीफ कौम है ना मुझे इस पर अमीर साहब के किस जवाब पर है तसली ना आप लोगों की जर्मन कौम भी जर्मन अफसर भी सारे अच्छी तरह अगर बशरते कि आप लोग प्रेजेंट करें अपने केस को सही तरह जो शुरू में आता है एम दी आता है एक तो ये है कि आपका मरकज़ से रबता होना चाहिए शुरू में एम जो आता है वो आते ही आपसे कॉन्टेक्ट करे जहाँ भी आ रहा है तो फिर उनको प्रॉपर प्रॉपरली गाइड भी करना चाहिए फिर उनके लिए आपको आप लोगों को नहीं पता आजकल हालात तो सख्त से सख्त तर होते चले जा रहे हैं पाकिस्तान में और जो आता है वो अगर जैसा भी हो वो आता जैनून के सी है, है। माशा तो इसलिए कोशिश ये हर दस से दस पंद्रह आपने क्या आपने लिख देते हैं जी रिपोर्ट में कि ये हमारी रूटीन है कि दस से पंद्रह तक लोग हर साल वापस जाते हैं ये रूटीन है तो इस रूटीन को बदलना किसका काम है आप लोगों का ये रूटीन अगर है तो ये कोई शरी हुक्म तो नहीं है या कोई मुल्क कानून तो नहीं है इसमें ये जाहिर करती है कि आप लोग सुस्त हैं या आप लोगों को दिलचस्पी नहीं है आप लोगों के उन लोगों के साथ, के साथ जो ज़ाती हमदर्दी होनी चाहिए वो नहीं है ये काम जब अपना अपना कोई अजीज़ आपका आ जाएगा तो जिस तरह उसका काम करते हैं ना उस तरह काम किया करें सोच के ठीक ये बैठक के शेषांश हजूर दुआ करें अल्लाह जानो जमातर सकल सदस्य के नेज छाय तले आश्रय प्रदान करें अल्लाह हेल्प यू अल्लाह ब्लेस यू अल्लाह सेव यू फ्रॉम ऑल दीज आफ्टर इफेक्ट्स एंड साइड इफेक्ट्स एंड बैड इफेक्ट्स ऑफ करोना वायरस এগুলো ছিল গত সপ্তাহে জার্মানির ন্যাশনাল আমিলার সাথে হুজুরের মোলাকাতের কিছু অংশ বিশেষ সবশেষে আমরা জমার খুদবার সারাংশ দেখিয়ে শেষ করছি প্রিয় হজুর খোদবা জুমায় মহানবী হজরত মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহ্লামের সম্মানিত বদ্রি সাহাবিদের স্মৃতিচারণ অব্যাহত রেখেছেন এ সপ্তাহের খুদ্বায় হজুর যে সাহাবির স্মৃতিচারণ করেন তার নাম হল হজরত মুওয়াজ বিন জবাল রাজি আল্লাহ তালা আনহু মহানবীকে যে কতটা ভালোবাসতেন তা এ থেকেও ধারণা করা যায় যে ওহদের যুদ্ধের পর মহানবী সাল ইসলাম যখন মদিনায় আসেন আহাজারি এবং ক্রন্দনের আওয়াজ গলি থেকে শ্রুত হচ্ছিল তিনি জিজ্ঞেস করেন যে এসব কি তাকে বলা হলো আনসাররা তাদের শহীদদের জন্য ক্রন্দন করছে আনসার মহিলা তিনি বলেন হামজার জন্য কী কে কাদার কেউ নেই তিনি সাল্লু আলহিসাম হজরত হামজার ক্ষমার জন্য দোয়া করেন আল্লাহ তালের দরবারে হজরত সাহাদ বিন মাজ এবং সাদ বিন ওবাদা এবং হজরত মোওয়াজ বিন জাবল আর হজরত আবদুল্লাহ বিন রওয়াহা যখন এডিশনে তারা নিজ পাড়ায় যান আর মদিনার ক্রন্দনকারিনী এবং বিলাপকারিনীদেরকে নিয়ে আসেন তিনি বলেন আনসার শহীদদের জন্য এখন আর কেউ কাঁদবে না যতক্ষণ মহানবীর চাচার জন্য ক্রন্দন না করবে তিনি বলেন মদিনায় কি হামজার জন্য কাদার কেউ নেই অসুরু বিশ্বজনদের কেউ নেই এ ছিল মহানবী সা্লা ইসলামের প্রতি ভালোবাসা কেননা কারণ হজাদ হামজার কারণে মহানবী কষ্ট পেয়েছেন যদিও বিলাপ করা আহাজারি নিষিদ্ধ ইসলামে কিন্তু এখানে হুজুর আলাইহি আলহি ওয়াসাল্লাম সাময়িক অনুমতি দিয়েছিলেন বা মানুষের আবেগ অনুভূতি দেখে নিজেই আবেগ প্রকাশ করেন যে হায় হামজার জন্য যদি এই আবেগ অনুভূতি প্রকাশ করা হতো যাই হোক ইসলামে বিলাপ করা বা আহাজারি মোটের উপর বা সার্বিকভাবে নিষিদ্ধ